हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग हम इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:30 का और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी हुई है बारिश, बहुत अच्छी बारिश। ये देखो मेरी बारिश हुई है और ये अनु चला रहा साइकिल। बहुत अच्छा मौसम, खाने की तैयारी। और ये कर रही है ड्रॉइंग, इसको बस ड्रॉइंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। हाँ, बस कलर चाहिए, नए कलर दिख के डब्बे में लगी रहती है पूरा। ईशु को ये लगता है कि मैं ही बना दूँ बस, है ना, और कोई कलर के हाथ ना लगाए, बस मैं ही बना दूँ। गलत बनानी है, ऐसा बनाना है मिटा दे। कैसा बनाना है? अरे अभी बता रही है, समझ ले तो। लड़ाई नहीं करनी। और भैया फ्रिज हमने ना रूम से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि एक तो रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे थे और कूलर लगाएंगे तो इसमें थोड़ी हुमस ज़्यादा हो जाती थी, इस वजह से। तो ईशु शाम के टाइम मत हाथ रखकर नहीं बैठा कर, खड़ी हो। बना ली अपनी चटनी? नहीं, हाँ। ये देखो भैया, आज सबको खानी है चटनी रोटी, क्योंकि अब सब्जी नहीं खानी, आज खा मन है चटनी रोटी। और वो भी चटनी खानी है सिलबट्टे की, पर ईशु को नहीं खानी है ना। ईशु टमाटर का कलर अजीब सा हो जाता है, लाइट हो जाता है। अच्छा, और ग्राइंडर वाले में नहीं होता? नहीं, इसको ग्राइंडर की पसंद है, अपनी खुद बना रही है ग्राइंडर की। देख, उसमें ढाल के ग्राइंडर से बनाएगी। और हम खाएंगे भी सिलबट्टे, मैंने ये रखे हैं टमाटर। तो यहाँ पे जो है कि चटनी थोड़ी थोड़ी नहीं लेते, चटनी भी सब्जी की तरह ही ली जाती है। तो इसमें कम से कम मैं 5-6 टमाटर डालूंगी, 4-5 प्याज डालूंगी, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। और हम जो है खेल लें, आज हम लोग के साइड में दोस्त है नहीं है। और ये राधा ये मानती नहीं है किसी की, अपनी अपनी चलाती है हमेशा। हाँ, अभी देखिए इसने कलर किया है और दूसरा ट्री बनाया था गलत, एक सही बना गया। ये देखो ये बना के रख रखा। और ये इतनी स्मार्ट है, होमवर्क स्कूल में कंप्लीट कर लाती है। पैर मत दीजिए। चोपर से प्याज भरे, देखो इन्हें अखरोट खा के कैसे डाल रखी है ना, ये ऐसे डाल देती क्योंकि ये ना टाइट वाली आ गई। ऐसे चोपर से करने से फिर ये इजीली हो जाती है, आराम से सिलबट्टे पे पिस जाएंगे जल्दी जल्दी। प्याज मैंने चॉप कर लिए, अब टमाटर है, अब इन टमाटरों को ना मैं भूनूंगी हल्का हल्का, फिर इनका ना छिलका उतर जाएगा, अब इनको मैं भूनती हूँ। और भूनने के बाद ना टेस्ट भी अलग ही आता है, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ऊपर से। ब्लैक कुछ नहीं होता, वो छिलका होता है जो चल के निकल जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे अभी प्याज घुस गया आंखों में, बड़ी जबरदस्त मेरे को लगती है प्याज। और नजला वैसे ही है, इसकी स्मेल से मेरे को नजला हो जाता है। अब ऐसे आंखों में पानी आता रहेगा बहुत ज्यादा, तो ये बन के फिर तैयार नहीं होता। बड़ी तेज घुस रही है मेरी आंखों में, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगी तब जाके मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। धनिया है, लहसुन है और ये प्याज है, ताजा हरी मिर्च मेरे पौधे को लगी है, हरी मिर्च से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। देख, चापस लगी हुई थी, दो तो सुबह मम्मी ने तोड़ दी थी, मम्मी ने तोड़ दी। इस पे दो ही बच्ची हैं और ये दो अब मैं तोड़ लूंगी इस पे। बहुत टेस्टी है, मेरे मतलब बहुत चरचरी टेस्टी है। और देखो अब इसके भी लगने वाली है, देखो। और ये हनु यहाँ पे बैठ गया है फुटबॉल खेलने। किसके साथ खेलना? बैट बॉल सौरभ के साथ तो नहीं खेल रहा भैया। आज इसके फ्रेंड चले गए अपने मामा के यहाँ। हाँ जी,
किसके साथ खेलना है? सौरभ के साथ नहीं खेल रहा सौरभ। खेल ले सौरभ भाई। रबड़ वाली बॉल से मिर्ची आई हूँ तोड़ के, दो ही लेके आई हूँ। एक दो यहाँ से डालूंगी क्योंकि उस पर भी दो ही थी और उसमें घुसी नहीं। और लकड़ी बना रही है वो ही नहीं तेरी ड्रॉइंग। ये देख ये कैसे फेंक रखे हैं, अलमारी कैसे खुली पड़ी है। राधू क्या कर रखा है, अलमारी बंद कर, बाहर आ जा। तो भी लाइट गई हुई है यहाँ पे तभी बंद कर रहे हैं। अब बाहर आ जा, सारा सामान लेके लाइट बंद कर दे। तो ये टमाटर छील लेते हैं। ये देखो ये ऐसे ना इसके छिलके उतर जाते हैं। खेल लेते उसको, क्यों चिल्ला रही है? मैंने चटनी बनानी स्टार्ट कर दी है। टमाटर छील लिए थे और अब मैं सबसे पहले ना प्याज पीस रही हूँ क्योंकि प्याज में ना टाइम लगता है और अगर पहले टमाटर पीसती तो उसमें पानी निकलता तो उसमें और चीजें इतनी महीन होती नहीं। तो पहले मैं प्याज पीस रही हूँ। तो मैंने ये सब चीजें पहले कभी की नहीं है, मैंने यहीं पे आके सीखी है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सिलबट्टा होता क्या है क्योंकि अपने घर में मैंने कभी नहीं किया। मम्मी करती थी जो करती थी, मैंने कभी नहीं किया ना मैंने कभी ये चीजें देखी, यहीं पे आके देखी थी। पर अब मुझे भी इन चीजों में ना टेस्ट आता है तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया, ये देखिए कैसे मैंने प्याज पीसी एक एक करके। पर इसकी बड़ा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा टेस्ट आता है, इसमें मजा आ जाता है खाने में। तो तब तक मैं चटनी बना रही हूँ, तब तक आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन खाता है सिलबट्टे की चटनी और आपको कैसी लगती है खाने में। मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया रखा था थोड़ा सा, तो इसे बोली मम्मी हरा धनिया रखा है वो भी डाल लो। तो हरा धनिया है, इसने धो के दे दिया है तो अभी काट पीट के मैं इसमें वो भी डाल रही हूँ। तो वैसे इसमें जैसे पहले के लोग पीसते थे उतनी बारीक तो मेरे से नहीं हो रही है, पर बाकी जो भी है कोशिश अच्छी की है, टेस्ट वही आ जाएगा इसमें। बाकी मम्मी ने बोला था कि मैं बना दूंगी सिलबट्टे पर, तो सिलबट्टे पर मम्मी को बनाना अच्छा लगता है। फिर भी मैंने सोचा कि उन्हें मैं ही ट्राई करके देखती हूँ आज कि कैसी बनती है। तो ये मैंने इसलिए मैंने बनाई इसमें, पर काफ़ी अच्छी बनी थी। और एक एक करके मैं इसमें पीसती चली गई, ये पीस गए हैं। अब इसमें मैं ये टमाटर है, टमाटर को पहले काट लिया है और काट के फिर इसमें मैंने टमाटर डाला है। और भाई ये बहुत सारी कूटा छेती के बाद, रगड़ा रगड़ी के बाद मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कटोरी में। तो अब इसको मैंने निकाल लिया है कटोरी में और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, जो कि जो हम ग्राइंडर और मिक्सी में बनाते उसमें से नहीं आती इतनी अच्छी। बना लिया और मेरे को लगी बहुत गर्मी, रसोई में बैठ बैठी क्योंकि इस पर ना बहुत मतलब कि जोर लगा के उसको पीसना होता है। और लड़की दीवानी इसको चाहिए मिक्सी की चटनी, इसको मिक्सी की चटनी अच्छी लगती है और उन्हें मिक्सी की अच्छी नहीं लगती। होते कभी इमरजेंसी में बना ली, पर नहीं इसको वही बनानी होती है। देखो भी खाएगी अपना बना के।
और बाहर का मौसम हो रहा। अच्छा क्या हो गया अनु? अनु क्या हो गया? दे नहीं रे। और देखो कितनी अच्छी आवाज चल रही है, मौसम देखो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ हम जल्दी खाना खाते हैं, तभी पौने सात हो गए। अभी पहले मैं करके आऊंगी पूजा, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो मैं जा रही हूँ हाथ मुंह धोने पूजा के लिए। ना तो मैं पहले ही ली थी, बना ली थी। मैं नहीं करती है टेस्ट, मैं खाऊंगी सिलबट्टे की। हाँ हाँ बिना मिर्च की क्या टेस्ट करूँ? मिर्च डाल ली है, थोड़ी और मिर्च डाल। मुझे देखो देखो गाड़ी नहीं कितना बड़ा लग रहा है। नाली मम्मी क्या कर रहे हो? चटनी चटनी चखा रही है वो अपने। मिर्च तो डाल ली भी ना, नहीं डाल ली। हाँ ये क्या, ये क्या चप्पल है यो? चप्पल यार अनु भाई, कौन सी चटनी है? देखो देखो पेपर पिग इनका फेवरेट है ना दादू? चटनी रोटी कैसी लगी? जैसे घी और बुरा खा लियो पर करा के बहु बना नहीं दे। आज बहू ने चटनी बनाई है और मेरा रोटिया का पेट भर गया, अच्छी लगी मुझे ऐसे बना। और मेरा जीरा में छोक रहा है, जब अच्छी बना। पीना हो गया और आज मौसम अच्छा, हम निकल गए घूमने। बहुत अच्छा मौसम चल रही है। चलो उधर रुक जा रुक जा, जचड़ के लिया जचड़ के लिया ऊपर। इसलिए अपने मतलब की चीज लेनी है। अरे कुछ भी क्या दुआऊं, रोटी देगा? बुला तो लो अंकल जी ने। आराम से चलो, चलो याद तो इसलिए है ना। नहीं बोले लो चल। आज इतना अच्छा मौसम है, मस्त बहुत अच्छी आवाज चल रही है। और ये देखो घूमने निकले नहीं आते हैं अपने, ये पीने है ना नानी? हाँ। ये पीने आता है ना, घूमने से मतलब नहीं है ना। तो भाई हम घूम के आ गए हैं और राधु कर रही थी कुछ गड़बड़ बैग में थी, वही कुछ बैग में गड़बड़ कर रही थी। चेक करा दे नहीं तो मैं सुबह चेक करूंगी क्या डाला है क्या छुपाया है, बताओ जल्दी। कौन सा काम? ज्योमेट्री खोल, ज्योमेट्री खोलो। कलर कहाँ है? कलर बाग में ही तो रखे थे। कल पीरियड है कलर का? हाँ सुबह है पीरियड कल सैटरडे को। चलो फिर रखो साइड में रखो। कलर कहाँ गए? ये डाल बैग में सारी बुक। अरे डालो
दिखाऊं? दिखाऊं? दिखाओ कुछ दिखा रही है अभी राधिका, आज आप लोगों को क्या दिखाएगी, देखो क्या दिखाएगी, दिखाओ क्या बनाया आज आपने? बनाया कुछ नहीं है? ये तो बने बनाए थे, इन तो मार्किंग करिए बस, ये बने थे, ये पसंद करा है। कुछ दिखा रही है, अच्छा ये बनाया, और क्या बना? और कुछ नहीं बनाया? क्या क्या बनाया दिखाइयो? ये देखो ये दोनों खुद बनाए हैं। नहीं ये वाला मामा तो मैं तो स्कूल में ड्राइंग वाली हूँ, और ये बनाने के ये वाला। अच्छा और ये देखो भाई ये क्या रेड, क्या है ये? बैंगन रेड होता है। और क्या? किसने बोला, किसने बोला बैंगन रेड होता है? है? ये देखो भाई इनकी मैम ने बनवाया ये रेड बैंगन, पहली बार देखा तो, हाँ तो ड्राइंग वाली मैम ने ये सीट आपने लगाई है। ओके अच्छा, तो जिसने नहीं देखा हो तो देख लो भी रेड बैंगन कर रहे हैं, और टेंशन में फिर कर सोने की तैयारी की, सुबह जल्दी उठना है, सबको काम पे जाना है, सबके लिए गुड नाइट, बाय बाय।